है रजवा, कान खोल कर सुन ले। लेकिन पापा, मेरे पास कान खोलने वाला कोई औजार तो है ही नहीं, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। अबे मैं ध्यान देकर सुनने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, बको। मैं बक नहीं रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। अब ये शरारत और उल्टी सीधी हरकत करना बंद कर दो और बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आज ये ज्ञान दे रहे हो? देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई भी बात सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं बड़ा हो गया हूँ तब तो लगे हाथ मेरी शादी भी करा दो, बहुत मन कर रहा है। उतने भी बड़े नहीं हुए हो कि शादी करा दूं। अभी जो बताया है उसे याद रखना, वरना वरना क्या वरना देख तो कौन है दरवाजे पे। जी आप कौन? पी के शर्मा। जब पी रखे हो तो यहाँ क्या खाने आए हो? बेटा, पापा से कहो पी के शर्मा आए हैं, वो सब समझ जाएंगे। पापा, आपका कोई बदतमीज दोस्त आया है। मेरा दोस्त और बदतमीज? क्या नाम है उसका? कोई शर्मा है जो पी के आया है, थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है, और नाम है शर्मा। दोस्त के घर कोई पी के आता है क्या, वो भी दिन में? अरे अरे, उसका नाम ही है पी के शर्मा, यानी प्रेम कुमार शर्मा। उन्हें बुलाकर अंदर ले आओ, और सुनो, कोई शरारत मत करना। ठीक है, अभी लेकर आया। और बताओ शर्मा, आज कैसे आना हुआ? बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। बस यार, भाभी जी की याद आ गई तो मिलने चला आया। वैसे मैं भी अब इसी शहर में आ गया हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब मिलना जुलना लगा रहेगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। वैसे ये बच्चा कौन है? मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा। मेरा भतीजा है या तुम्हारे मनोरंजन का नतीजा है? वैसे जो भी हो, बेटा है तुम्हारे जैसा ही शांत और संस्कारी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितना अशांत और कुसंस्कारी है। हा? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अरे राजू बेटा, अंकल के लिए कुछ लेकर आओ। अंकल मेरे लिए क्या लेकर आए हैं जो मैं इनके लिए कुछ लेकर आऊं? खाली हाथ तो आए हैं, जैसे किसी धर्मशाला में आए हो। अरे अरे, मजाक करने की इसकी आदत है, अब बुरा मत मानना शर्मा। ए राजू, जल्दी से कुछ लेकर आओ। अंकल जी, दूध तो सांप पीते हैं। हा? आप क्या लोगे, ठंडा या गरम? अजीब बेटा है यार तुम्हारा, बड़ों से बात करने की इसे तमीज ही नहीं है। अरे यार, इसे मजाक करने की आदत है, बिल्कुल मेरी तरह। मम्मी, अंकल के लिए चाय बनाकर लाना। अंकल, जब तक आपकी चाय आती है तब तक आप मेरी एक पहेली सुलझा दोगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर, तुम बोलो बेटे। तेरी चू। क्या? अरे अंकल, आप सुनो तो सही। अच्छा अच्छा, बोलो। तेरी चू कि मेरी झा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? अभी तो शुरू ही हुआ है अंकल, आप पूरा सुनो तो सही। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है ठीक है, जो भी कहना है जल्दी से कहो। तेरी चू कि मेरी झा, तेरी बू कि मेरा लन। यार, ये तुम्हारा लौंडा कैसी अश्लील बातें कर रहा है, ऐसी भी कोई पहेली होती है क्या? अरे यार, इसकी बात पहले अश्लील जरूर लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंकल, मैं बताऊं इसका मतलब? केवल तुम ही बता सकते हो इसका अर्थ, जल्दी बता दो, नहीं तो अंकल पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। ठीक है, देखो, तेरी चू की मेरी झा का मतलब है, तेरी चूड़ियों की झनकार से मेरा झांझर सा दिल डोल गया। और तेरी बू की मेरा लन का मतलब है कि तेरी बूंदियों की चमक देखकर मैंने लंदन जाना छोड़ दिया। इतनी खतरनाक पहेली, अरे बाप रे, मेरा तो हार्ट अटैक आते आते रह गया। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट। अरे वाह भाभी जी, चाय तो लाजवाब है, बिल्कुल आपकी तरह। घट, आप भी ना, इन्हें तो मेरी चाय बिल्कुल बकवास लगती है। अरे भाभी जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
आपकी चाय वाकई लाजवाब है। चाय तो लाजवाब है ही, साथ में ये कोकोनट कुकीज वाला बिस्कुट भी लाजवाब है। सारा मत निपटा देना अंकल, आप जैसे मेहमान के कारण ही तो हमें भी कभी कभी खाने को मिलता है। कुछ मेहमान तो सारा का सारा निपटा देते हैं और बाद में हमसे गाली सुनते हैं। अब आप देख लो क्या करना है। अरे नहीं नहीं बेटा राजू, तुम्हारे लिए बिल्कुल बचा रहेगा, तुम निश्चिंत रहो। खैर ये बताओ, इस लॉकडाउन में तुमने कोई हुनर सीखा कि नहीं? सीखा है ना अंकल, मैंने हारमोनियम बजाना सीखा है। हारमोनियम? लेकिन क्यों? सब कहते हैं ना अंकल कि गान मराए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया, इसीलिए। ठीक है ठीक है, कुछ अपनी कला हमें भी तो दिखाओ। ठीक है अंकल, मैं अभी लेकर आया। यार उसे क्यों छेड़ रहे हो, अभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है उससे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। और अपने जमाने में हम कौन से दूध के धुले थे। ठीक है, फिर बाद में मुझसे कुछ मत कहना। अंकल आप चाय की चुस्की के साथ साथ मेरे गीत का आनंद लो। ठीक है बेटा राजू, सुनाओ। तेरी माँ का भो। क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसे गंदी बातें नहीं करते। अंकल मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा, आप पहले सुन तो लो। ठीक है गाओ। तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चू। बस करो बस करो, ऐसे भी क्या कोई मेहमान के सामने अश्लील गाना गाता है। अंकल ये आपको ऊपर से अश्लील लगता होगा लेकिन है नहीं, आप पहले पूरा सुन तो लो। ठीक है जल्दी सुना दो। तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूड़ियाँ, तेरे बाप का लंदन में है बिजनेस। कैसा लगा अंकल? ईश, जान जाते जाते रह गई। भाई तुम्हारे बेटे की पहेली और गाने ने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। अंकल अब मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। नहीं नहीं, अब मुझ में सुनने की ताकत नहीं बची। नहीं अंकल, बहुत प्यारी शायरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। अरे यार अब मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। वो तो नहीं होगा अंकल, आपको तो सुनना ही पड़ेगा। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में आऊंगा। चलो बिस्कुट तो सारा बच गया।